प्यारे रानीबाग के निवासियों, थाना रानीबाग क्षेत्र में रहने वाले निवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे एक मर्डर और डकैती के बारे में जो कि सदर पीआर में घटित हुआ और प्रसिद्ध समाज सेवी उनके रिश्तेदार हैं वो, उनका नाम बाबूराम गुप्ता है जिनसे रानीबाग पूरा परिचित है। ये बहुत गंभीर विषय है कि ये जो आज घटना घटी है ये कई सवालों के घेरे में और कई लोगों की लापरवाही यहाँ साफ साफ देखने को मिली है। पूरे सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हुए हैं और हमारा पूरा रानीबाग एक परिवार की तरह है। रानीबाग के अंदर रहने वाली जनता सब एक परिवार की तरह है, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं जैसे पहले गाँव के अंदर लोग रहते थे, सब एक दूसरे से परिचित है। तो मैं सबसे पहले इस शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि DCP आउटर रैंक जो कि अभी समीर शर्मा जी हैं जिनका तबादला भी आया हुआ है और शायद एक दिन में रिलीव हो जाएंगे, वो मौके पर पहुँच गए हैं। मेरी जरूर ये आज उनसे प्रार्थना है कि वो एक ऐसा आज एग्जाम्पल इसके अंदर एक ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट करें जिसके अंदर शीघ्र एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो। और ये आम आदमी पार्टी के काफ़ी हमारे नेता हमारे भाई हैं और डॉक्टर अरुण गुप्ता भी जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन ने, फिर उनसे भी गुजारिश है कि एक बहुत अच्छी और जल्द पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो सके। दूसरा मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कमी ना रहे इन द सुपरविजन ऑफ DCP रैंक, या मैं तो कहूँगा कि अगर DCP रैंक की ये जानकार अगर ये इंक्वायरी होती है तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि DCP रैंक का जब IO इंक्वायरी करता है तो बहुत सारी पावर उसके पास एक्स्ट्रा होती है जो कि एक साधारण सब इंस्पेक्टर या डिस्ट्रिक्टों के रैंक के अधिकारी के पास नहीं हो पाती है। कई तरह के ऐसे सबूत होते हैं, जब कोई अपराध होता है तो उससे संबंधित सबसे पहला काम पुलिस का होता है कि उन सबूतों को इकट्ठा करना जो नष्ट हो सकते हैं और डे टू डे प्रोग्रेस, क्योंकि ये एक हीनियस क्राइम है और शोकाकुल परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। जैसे हम सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म के अंदर के हिसाब से 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है और ऐसे में जो ये परिवार आज एक इस हादसे का शिकार हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आज उस परिवार के लिए कमी सामने लेकर आई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर पुलिस जो है प्रॉपर पोस्टमार्टम करे जितना शीघ्रता से हो सकता है और आम आदमी पार्टी भी जो लगातार जनहित के दावे करती है वो आज यहाँ सारे मैं नेताओं को चाहूँगा कि वो पहुँचे और जितना जल्दी हो सके हाई लेवल की इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कटी तो सीनियर डॉक्टर के सुपरविजन में, अच्छे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर हो, इन हो कि लो लेवल के डॉक्टर वहाँ खड़े हो जाएं और डॉक्टर उनको हाथ ही न लगाएं। दूसरा पुलिस से ये निवेदन है कि इसके अंदर नियर बाय जितने आसपास के प्राइवेट और CCTV फुटेज हैं कम से कम 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के स्टेप टू स्टेप चेक करें जिससे कि ये संदिग्ध आदमियों को देखने में और उनको उनके फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट और फेस स्कैन ये कर सकते हैं। इनके पास डोजर एक्सेल होती है उसके अंदर इनका डाटा भी होता है NCRB के अंदर। दूसरा कि टावर लोकेशन से डंप डाटा लिया जाता है कि कितने मोबाइल स्विच ऑफ ऑन हुए, पहले घर के आसपास के टावर डाटा, फिर लास्ट 15 दिन की डिटेल संभाली जाए, फिर उसके ऐसे करते करते अगर 5 किलोमीटर के दायरे के अगर टावर लोकेशन के अगर ये थोड़ी दिक्कत का काम जरूर है लेकिन एक क्योंकि परिवार के अंदर बहुत बड़ी क्षति हुई और जान का मामला है लूट डकैती का तो ये एक हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे और ये DCP सरकार अधिकारी कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को भी देखा जाए कि कितने लोग जेल तो छूटे हैं 3 महीने में यहाँ आसपास सराउंडिंग 5 किलो के अंदर। ज़्यादातर रानीबाग में जो घटनाएं होती हैं उसका मेन सोर्स होता है कि ये ज़्यादातर देखा गया है कि शकुरपुर विलेज, ये शकुरपुर जे कॉलोनी से लोग आते हैं, रंजीत नगर से आते हैं, ये हैदरपुर के मंगोलपुरी के सुल्तानपुर के, इस तरफ के लोगों को देखा जाए कि कितने लोग जेल से रिहा हुए हैं उनका डाटा भी 3 महीने का लास्ट का देखा जाए, खासतौर से पिछले 15-20 महीने का, क्योंकि ये क्राइम ऐसा होने से पहले रेकी जरूर करी जाती है कि एंटर कैसे हो और कैसे निकले। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम अचानक हो, कई दिन तक इसकी रेकी चलती है, प्लानिंग होती है, तभी ये इस तरह के क्राइम होते हैं। दूसरा मैं चाहूँगा जो साथ में कंस्ट्रक्शन का मकान बन रहा है उसकी भी लेबर को पूरी तरीके से खंगाला जाए कि पिछले 10-15 दिन के अंदर वहाँ पर कौन कौन लेबर आई गई, कौन कौन से लोग ठेकेदार आए गए जिन्होंने उस जगह को जाने के लिए रेकी के लिए जगह चुनी, रुके उस मकान के अंदर। कई बार ये लोग मजदूर बनकर उस मकान में घूमने का काम करते हैं सस्ती मजदूरी का लालच देके और ठेकेदार ऐसे लोगों को रख लेते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करती। ये सबसे बड़ी है, ये बीट नंबर 6 पड़ती है, ये पुलिस की सबसे बड़ी समस्या है। हमने 16-8-22 को भी DCP समीर शर्मा जी, ACP साहब और SHO साहब आए थे
और वहाँ पकौड़े की भी पार्टी हुई थी जनभवन के अंदर, तब भी मैंने ये बात रेस करी थी कि पुलिस वेरिफिकेशन पर ध्यान करे, जितने रानीबाग थाने में घुसने के सभी 8 बीटों वालों को डायरेक्शन दी जाए, एंट्री और एक्सिट पॉइंट जितने भी तरीके के हो सकते हैं उन सबकी रोजनामचे में एंट्री दर्ज करी है। मुझे नहीं पता कि पुलिस वालों ने वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया है नहीं किया, और घटना आपके सामने है। और कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं चोरी की और इसके अंदर मर्डर नहीं होता तो वो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस को, पुलिस के पास जाना नहीं चाहते। इसके अलावा मैं ये भी इसके अंदर आपके सामने चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ऐसा आदमी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टीम होनी चाहिए जिनको पहले कई मर्डर डकैती के केस को सोल्व करने का अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति इस केस को जल्दी कर सकता है। और डॉक्टर अरुण गुप्ता जी हैं जो पीछे काफ़ी एक्टिव हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, मिथिलेश पाठक जी हैं, कि वो भी शोकाकुल परिवार के साथ जुड़े हैं और उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे और उनको सांत्वना भी दें। और ये भी देखा जाए पुलिस की तरफ से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं ड्रग एडिक्ट्स हैं या जहाँ पर ड्रग्स बिकती है रानीबाग के आसपास या रानीबाग के क्षेत्र, उन लोगों को भी डिटेन किया जाए कि ऐसे कितने लोग हैं। और इन चीज़ों को भी अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए, आसपास में मटका वटका खेलने वाले लोग होते हैं जो कि एक एक का सिर का लाला 100 का लाला देते हैं, कई 12-55 की रानीबाग में FIR दर्ज होती रही हैं, उनको भी मॉनिटर किया जाए कि ऐसे कितनी लोगों की पिछले 5-6 महीनों में FIR हुई हैं और उनका क्या स्टेटस है, वो लोग प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, ये भी चीज़ देखी जाए। और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो मेरे को लगता है कि कुछ आसानी हो जाएगी इस इन्वेस्टिगेशन में और ये गुत्थी सुलझने में कुछ मदद मिल सकती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू अपराधी जरूर छोड़ता है, और एक अच्छा मैं समझता हूँ कि ये नेतृत्व अगर पुलिस करेगा प्रयास करेगी तो ये शोकाकुल परिवार के लिए एक राहत होगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि आगे के लिए फिर मैं पूरा प्रार्थना करूँगा, क्योंकि हमारे बीट नंबर 3 रानीबाग ऋषि नगर के अंदर मैंने कई बार ये कोशिश करी, यहाँ हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण भाटी है, वो बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं करता किसी भी आदमी की, कितनी कंप्लेंट डाटे कोर्ट तक लगा दी। यहाँ पे कितने अभी यहाँ 500 ऋषि नगर में 3 लड़के रहने आए हैं और उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया गया डिस्पाइट कंप्लेंट्स के बाद। और ये एक लापरवाही चल रही है, ये लोग रेस्टोरेंट में, ढाबों में, फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इस तरीके से दुकानों पे ये लोग घुसते हैं, रेकी करते हैं कई कई महीने, और ये एक बड़ा नेग्लिजेंस है। पुलिस को एक स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए, और मैं पूरी दिल्ली में ही जाता हूँ लेकिन खास तौर से रानीबाग थाने के अध्यक्ष मनोज कुमार जी से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जनता की सेवा के लिए वो प्रयास करते हैं। मैं उनके लिए ये नहीं कहता, जो मैं चाहता हूँ उनको थोड़े से प्रयास अपने बीट वालों को देने पड़ेंगे, जो ऐसे बीट वाले हैं मुझे नहीं समझ में आता कि किस अप्रोच के तहत ये बार बार घूम के बीट में आ जाता है परवीन भाटी। इसके आचरण बिल्कुल ही बेकार किस्म का ये आदमी है, ये संरक्षण देता है अपराधियों को, कई ऐसी घटनाएं इसके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं और इसे कोई शर्म नहीं है। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन आदमी है, कौन आदमी इसको बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग करा के स्पीड नंबर 3 में ला के खड़ा करता है, और फिर पुलिस इसी चीज़ का प्रयास करती है, इंतजार करती है कि कोई घटना हो और फिर सारे अधिकारी वहाँ इकट्ठे हों और टैक्स पेयर का ये पैसा बर्बाद होता है। अगर पहले से सावधानियाँ बरती जाएँ तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की दिक्कतें सामने आएंगी। इसके लिए जागरूक जनता को भी होना पड़ेगा, सभी व्यापारी भाइयों से भी सबसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आज जो इस तरह की घटना हुई है दोबारा ना हो। अपने जितने आपके घर में गाड़ी साफ करने वाले हैं, जितने आपके पास घर में मेट्स रखी हुई हैं आपने, जितने आपके शॉप के ऊपर लेबर हैं, और जितने आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड जरूर लें, और हो सके तो उनको बीट ऑफिसरों के सबके पास नंबर होते हैं व्हाट्सएप पे, उनको शेयर करें। थाने में नहीं जा सकते तो हमने 16/28 को भी कहा था, मेरा यहाँ पर ऑफिस है, मेरी शॉप है, मैं वो दुकान प्रोवाइड करा सकता हूँ, कोई बीट वाला यहाँ बैठना चाहे तो बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो भी खर्चा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ 24 घंटे उसको यूज कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे सकता हूँ, जनहित के अंदर उसका इस्तेमाल करें, बिजली के बिल का भी इस्तेमाल करें और वो बिल भी मैं पे करने को तैयार हूँ। ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि इससे ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी, गाड़ी चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। बार बार ये विषय उधराता रहा हूँ, अगर SHO साहब सभी बीट अधिकारियों को निर्देश देते हैं और अब DCP साहब वहाँ खुद पहुँच चुके हैं इस घटना पे, तो ये घटनाएं होनी में बहुत बड़े स्तर पर 80% तक की कमी आएगी। जितने ये वेंडर्स घूमते हैं, जितने ये फोकर्स लगे हुए हैं, इनके टैलेंट वेरिफिकेशन हो जाए, बहुत सारे लोग प्रतिदिन रानीबाग क्षेत्र के अंदर अलग अलग दिशाओं से कोई काम करने आ रहा है, कोई माल सप्लाई करने आ रहा है, ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए जाएँ, जितनी गाड़ियाँ इनके अंदर क्लीनर ड्राइवर जो आ रहे हैं वो जा रहे हैं, अगर सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर कैमरे लगा दिए जाएँ PWD के, जो कि इन्होंने लगाए भी हैं दिल्ली सरकार ने, इनका सही उपयोग नहीं हो रहा। ये क्या कर रहे हैं कि एक एक गली में 4-4 कैमरे लगा रखे हैं, किसी ने घर में कहीं लगा लिया, जिसकी आम आदमी पार्टी से जानकारी है नेता से, वो अपने घर के अंदर कैमरा लगा लेता है
और उसकी दिशा अपने घर के अंदर कर लेता है। ये पूरी तरह से टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी नेताओं से भी, खुद आम आदमी पार्टी के लोग भी मॉनिटर करें और देखें कि उन कैमरों का सही सदुपयोग हो रहा है। अगर इस तरह से गलत जगह कैमरे लगे हैं कि जानकारी में भाई भतीजावाद से, तो उनको वहां से रिमूव करके ऐसी जगह लगाए जाए सभी गलियों के चौराहों पे, एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, पार्कों के पास, रेस्टोरेंट्स के पास, जिससे कि ये चोरी की जो घटनाएं हैं इनमें कमी आए। अभी हाल ही में रानीबाग थाने के अंदर 12 पेटी पकड़ी गई, एक ऐसी घटना आई है सामने। तो ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि आदमी यहाँ पे हिम्मत कैसे कर लेता है कि रानीबाग क्षेत्र को कैसे चुन लेता है अपराध करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जागरूकता की कमी है। अगर जनता और पब्लिक मिलकर जागरूक हो जाए, और पुलिस से मैं बार भी पहले भी कह चुका हूँ, पुलिस बार बार ये कहती है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, कोई कमी नहीं है, 3-3.5 लाख की जो जनता है इसके अंदर से कुछ लोगों को हर बीट में जाकर 10-15-20 लोगों को चुन के अगर ये अपने साथ जोड़ लें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मेरे को लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, पुलिसिंग का पूरी दिल्ली में समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक छोटी सी चीज़ है, शुरुआत अगर रानीबाग थाने से हो जाए, मेरा सपना हमेशा ही रहा है कि रानीबाग क्षेत्र सबसे सुंदर और अच्छा शहर हो, यहाँ की पुलिसिंग सबसे बेस्ट हो। क्योंकि शुरुआत अब देखो कि समीर शर्मा जी करते हैं, जाने का उनका 2-3 दिन में तबादला होना है, शरद सिन्हा जी का उनका आदेश है रिप्लेस करने का। मैं ये सोचता हूँ कि जाते जाते समीर शर्मा जी जरूर कोई ऐसी दिशा निर्देश देके जाएंगे जो एक रानीबाग के इतिहास के अंदर लिखी जाएगी, कि उनके नाम से जुड़ेगी कि उन्होंने जा तक एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला लिया। दिशा निर्देश रिटर्न के अंदर देके जाएं। और पुलिस SHO रानीबाग मनोज कुमार जी से भी उम्मीद मैं करता हूँ कि वो भी प्रयास करेंगे, और जो समाज सेवी हैं जिनके साथ ही परिवार के साथ हुआ है, वो खुद अपने आप में काफ़ी बड़ा उनका एक अनुभव है, और यहाँ बाएं बार तरीके से जुड़े हुए हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से। तो मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि वो एक अपने तौर पर जागरूकता अभियान जरूर चलाएं और कड़ी बने पुलिस के और जनता के बीच के अंदर, और प्रयास करें कि किसी को असुविधा भी ना हो, दिक्कत भी ना हो, और समस्याओं का समाधान भी हो, क्योंकि समस्याओं के साथ समाधान होना जरूरी है। ऐसा यहाँ से 20 साल MLA के पद पर रहे श्री जय भगवान अग्रवाल जी बोलते थे, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक डॉक्टर SC वत्स, मैं उनका भी नाम हमेशा लेता हूँ क्योंकि उनका बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे हैं, वो रहे हैं, और यहाँ के रानीबाग की जनता से, शकुर बस्ती की जनता से का बहुत लगाव रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि ये परिवार पीड़ित परिवार उनसे मिलेगा या वो उनसे कुछ करेंगे इनकी मदद। तो ये इसी विचारों के साथ शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस शांति, जिंदाबाद।